शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा देवी, ये तो चमत्कार हो गया, हमारा ठीक हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, आपने चमत्कार कर दिया। जय जय श्रद्धा देवी की, 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 जय। अब बोलिए, और किसी को है शक हमारी श्रद्धा देवी पर? श्रद्धा देवी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, आप कुछ चमत्कार कीजिए, हम उसको लेके आते। जय जय श्रद्धा देवी की, 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 जय श्रद्धा देवी की, जय श्रद्धा देवी, जय श्रद्धा देवी की, जय श्रद्धा देवी की, जय श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी, जय श्रद्धा देवी, जय श्रद्धा देवी। आप लोग प्लीज वापिस जाइए, प्लीज, बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्लीज वापिस चले जाइए। चलो 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 सब चलो चलो। पूछे कौन है वो, किसी भी इंसान को इस तरह से भगवान बना देने वाली? गलती उनकी नहीं है अभय, ये जरूर उस रोशनी की सोची समझी हुई चाल है। सोचा ना था कि तुम्हारा प्लान ऐसे कामयाब होगा। परिवार में सबके लिए इतनी महान बनती है ना ये श्रद्धा, अब देखना कैसे पूरी दुनिया के सामने इसकी महानता फैलाऊंगी मैं। इंसान बनने के लायक नहीं रहेगी ये। पर जो कुछ भी हुआ वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। तुम्हारे हाथ के एक इशारे पर वो इतना बड़ा खंबा बीच में लटका हुआ रह गया, विज्ञान को भी पछाड़ दिया। वही तो अब है, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अगर सवाल ये है कि रोशनी ये सब कुछ अकेले कैसे कर पाई? अब कुछ भी हो जाए निकलवा के रहूंगी मैं उससे इस सवाल का जवाब। मन में ना हजारों सवाल उठ रहे होंगे दीदू के कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है? और कैसे तुमने सारे दिए बदल के एक बार में सारे दिए जला दिए? वाह वाह भाई, तो तुम वो बिजली वाली दियों की करो, क्या जले, सबकी नजर में सच में चमत्कार ही हो गया। अब नामुमकिन तो श्रद्धा के लिए होगा, इंसान की जिंदगी जीना, पूरी दुनिया उसे देवी बनाती रहेगी, और वो इस नाटक में ऐसा उलझेगी ना कि खुद अभय उसी से नाराज हो जाएगा, और आखिर में श्रद्धा और अभय खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, और उसका फायदा उठाओगी तुम। बहुत फायदा उठा लिया है उसने मेरी चुप्पी का, बस अब ना मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, अब इस घर में होंगे मैं और मेरा अभय। कीर्ति, तू अंदर जा, रोशनी से मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। काफी लंबा चौड़ा प्लान बना के इस घर में वापस आई हो ना तुम रोशनी। आप कैसी बातें कर रही हैं देवी श्रद्धा,
यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है रोशनी, तो अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये जो भी षड्यंत्र तुम रच रही हो मेरे खिलाफ, इसे मैं पूरा होने दूंगी? कभी नहीं। आप जो कहती हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है देवी श्रद्धा। बस करो रोशनी, लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी भक्ति के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही हो तुम। अभय को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी? मैं कौन होती हूँ आपको आपके अभय से दूर करने वाली? मैं तो कभी अभय को आपसे अलग नहीं करने वाली हूँ देवी श्रद्धा। अब तो अभय को ही आपसे अलग होना पड़ेगा। चुप हो जाओ रोशनी, और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं निकल रहा यहाँ से, ये मेरा कमरा है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये देवी का कमरा है। अरे बात को समझो तुम। तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई? अभय और श्रद्धा को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, पर साधारण इंसान अभय और देवी श्रद्धा एक साथ तो नहीं रह सकते है ना? भगवान के नाम पे इतना घटिया खिलवाड़ कर रही हो तुम, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? जिस दिन तुम्हारे इन पापों का घड़ा फूट गया ना रोशनी, मैं तुम्हें अभी ही बता देती हूँ, सह नहीं पाओगी तुम। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें सहना पड़ेगा, पर सच यही है कि तुम देवी के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते हो। पाप चढ़ेगा तुम्हें। पाप चढ़ेगा? मम्मी श्रद्धा बीवी है मेरी। नहीं अभय, श्रद्धा देवी है, तुम्हारी पत्नी नहीं। हम समझ सकते हैं बेटा कि तुम्हें धक्का लगा है, पर सच यही है कि श्रद्धा तुम्हारी पत्नी नहीं है, श्रद्धा तो देवी है, और देवी के साथ नहीं, देवी के शरण में रहा जाता है। सॉरी मम्मी, पर आपकी ये बात ना मेरे सर के ऊपर से निकल रही है, और मुझे ना आप समझाने की कोशिश भी मत करना। ये कमरा मेरा है, श्रद्धा मेरी बीवी है, और सच यही है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? रोशनी को नहीं जानती हैं आप? उसने पहले भी तमाशा करके इस घर में सबको बहकाया, और आज वो फिर से वही कर रही है। सही बोल रही हैं आप। रोशनी की हरकतें हम सब ने देखी है, पर चाची जी जो आंखों देखा है उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब ने देखा है कि ये चमत्कार हुआ है, और सबकी किस्मत में होता भी नहीं है ये सब कुछ देखना। और हम तो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे घर में देवी रही हैं। पर अब देवी के लिए स्थान बनाना होगा, और हम अपनी बची कुची जिंदगी उनकी सेवा में गुजार देना चाहते हैं। बेटा इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। मम्मी आप सुन भी पा रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? हद हो गई है यार। ठीक है, आप सबको मानना तो आप मानिए, पर मैं नहीं मानने वाला। श्रद्धा मेरी थी, मेरी है, और मेरी ही रहेगी। अबे प्लीज आप शांत हो जाइए। मम्मी जी आप जानती हैं ना रोशनी को, उसने पहले भी यही किया था, अभय से मुझे अलग करने की कोशिश की थी, और आज भी वो वही कर रही है। आपको हो क्या क्या है? आप क्यों नहीं समझ रही है? मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं आपकी बहू हूं श्रद्धा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी। ये आप क्या कर रही है? आप हाथ क्यों जोड़ रही है? आप हाथ मत जोड़िए देवी जी, अगर आप ऐसे हाथ जोड़ेगी तो हमें पाप चढ़ेगा। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपके शरणों में हमें जगह दे दीजिए।
श्रद्धा देवी, अगर हमारी कोई भी बात से आपको बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपके भक्त आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। उठो यार मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? और आप सबका दिमाग खराब हो गया क्या? इंसान को भगवान बनाओगे तो ज्यादा पाप चढ़ेगा। चुप! तुम श्रद्धा देवी को छोड़ दोगे? कतई नहीं। आप सबको इस रोशनी की बात माननी है तो मानो, पर मैं नहीं मानने वाला। ये आप सबके लिए देवी हो सकती है, पर ये मेरे लिए मेरी बीवी श्रद्धा अभय त्रिपाठी ही रहेगी। अभय, तुम्हें हमारी कसम, तुम आप कुछ नहीं बोलोगे और चुपचाप तुम यहां से चलोगे। यार मम्मी, अरे हमने कहा ना, चलो तुम यहां से। मेरी बात सुनो, मैं आपके साथ आ तो गया हूं, पर एक बात मेरी आप कान खोल के सुन लीजिए। इस अंधविश्वास में मैं आपका साथ कतई नहीं दूंगा। अरे अंधे तो तुम हो गए जो सब कुछ सामने देख के भी तुम नहीं देख रहे हो। अरे यार मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। श्रद्धा में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, वो आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है। चुप! खबरदार जो तुमने कुछ भी बोलकर उनका अपमान किया हो तो। मम्मी यार आप प्लीज समझ। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं करना है ना तो तुम मत कर, लेकिन तुम्हारी माँ मानती है ना। और हमारा फैसला ये है कि तुम श्रद्धा देवी के कमरे में नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ उनका दर्शन कर सकते हो पर उनके साथ एक कमरे में नहीं रह सकते हो। तो चलो तुम यहाँ से। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मैं आपके फैसले का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। 10 साल में पहली बार दोनों माँ बेटे को ऐसे लड़ते हुए देखा है, वो भी तुम्हारे फेंके बस एक पासे से। ये तो घर में कलेश की शुरुआत है कीर्ति, अब ये कलेश अभय और श्रद्धा की जिंदगी में ऐसी दूरियां पैदा करेगा ना कि एक ही घर में एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए भी तरस जाएंगे दोनों। तुम बस देखती जाओ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें आवाज दे दीजिएगा। देवी आप थक गई होगी ना, तो आप आराम कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। जय हो श्रद्धा देवी की, जय हो श्रद्धा देवी की, जय हो श्रद्धा देवी की, जय हो श्रद्धा देवी की। अभय, अभय को फोन करती हूँ। जी मेरा फोन भी लेकर चली गई, ये भगवान है। मैंने तो तपस्या आपको पाने के लिए की थी, अब है आपसे दूर होने के लिए नहीं। फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? श्रद्धा के बिना मैं रहूंगा ही नहीं, जिसे जो करना कर ले।
एक बार उससे उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो फिलहाल बंद है। मैं जानता हूँ ये आप ही ने किया ना मम्मी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ना तो ये कोई इत्तेफाक है और ना ही चमत्कार, ये तो सोची समझी चाल है मुझे और श्रद्धा को अलग करने की। जब हमारी किस्मत की लकीरों को भगवान खुद नहीं अलग कर पाए तो कोई भी नहीं कर सकता। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है और हम इसे कैसे ठीक कर पाएंगे। इसका कोई हल भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगा। हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं मम्मी से भी बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। खानदान पे पाप चढ़वाओगे क्या? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? इस तरह देवी के कमरे में चोरी छुपे घुसते हुए? वो देवी है देवी। मां जी, आप भी मम्मी की भाषा बोलने लग गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रोशनी की साजिश है हमारे खिलाफ। वो श्रद्धा को देवी बना। तुम्हारी सुई एक ही बात पर क्यों अटकी है अभय? तुम हमारी भक्ति का मान नहीं रख पाए, लेकिन कम से कम अपनी मम्मी की मेहनत का तो मान रख लो। कल सुबह जो देवी पूजा होने वाली है उसके लिए अभी से सारी तैयारियां कर रही है। क्या कहा आपने मौजी? मम्मी जी, ये सब ये भगवान। तुम अपनी मम्मी से नहीं डरते लेकिन भगवान से डरो। इस रोशनी ने जो डर का टाइटा फैलाया ना मेरे घर पे, छोड़ूंगा नहीं इसे। मम्मी जी, अरे ये सब क्या? अरे देवी श्रद्धा, आप यहाँ आ गई। आप हमको बोलती तो हम खुद आपके पास आ जाते ना। मम्मी जी, ये सब क्या कर रही हैं आप और क्यों? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हैं, वो भी इतनी रात को? देवी श्रद्धा, कल के पूजा के लिए भोग की तैयारी कर रहे हैं। आप छोड़िए ये सब, छोड़िए। अच्छा अच्छा ठीक है, दीजिए, मैं कर देती हूँ। आप जाइए, आप जाकर सो जाइए। आप क्या कह रही हैं? हम आपसे काम नहीं करवा सकते हैं। हमने कहा ना, हम कर लेंगे। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोशनी, रोशनी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम मुंह खोलोगी और सिर्फ सच बोलोगी, वरना रोशनी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अभय, क्या हो गया? इतनी रात को तुम इतना चिल्ला कह रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या, इसकी आरती उतारूं क्या? इसने मुझे मेरी बीवी से अलग करना चाहा। पर कामयाब नहीं हो पाई। और अब आप सब लोग इसके शैतानी दिमाग का साथ दे रहे हैं। मुझे श्रद्धा के साथ के लिए अगर आप सबके खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। होश में आओ अभय, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत का असर क्या होगा? पाप चढ़ेगा तुम्हें। तुम देवी श्रद्धा का इस तरह हाथ नहीं पकड़ सकते हो। देवी तुम्हें माफ नहीं करेंगी।
चुप हो जाओ रोशनी। बहुत तेज चलता है ना तुम्हारा दिमाग। अब सबके सामने सच सच बता, आगे का प्लान क्या करके रखा तूने, वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं आज। अबे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अबे तुम कब बोलो क्या, छोड़ो उसे, अबे छोड़ो, फंस जाएगी वो। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? अबे जानवरों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो इसके साथ? अबे छोड़ से, जान ले लेगा क्या उसकी? छोड़ से, छोड़ भाई मुझे, ये सच उगलेगी, जान से मार दूंगा इसे मैं। संभाल अपने आप को, पागल हो गया क्या तू? अभय अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो मार दो, लेकिन इस तरह सबके सामने देवी श्रद्धा का अपमान मत करो। तुम्हें अगर अपनी परवाह नहीं है तो अपने घर वालों का तो सोचो, तुम्हारी इस हरकत का पाप इनको भी पड़ेगा। मैं रोशनी को उसके प्लान में कामयाब होने नहीं दे सकती, कुछ तो करना होगा मुझे। एक ही मकसद रहा है मेरी जिंदगी का, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी और अपने पति का जीवन भर का साथ, मगर ये क्या हो रहा है? मेरे अपने ही अब मुझे खुद से दूर कर रहे हैं, मुझे तेरी बनाकर। जय हो श्रद्धा देवी की, जो हाथ हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद के लिए उठते थे वो हाथ आज सब मेरे सामने जोड़ कर खड़े। ये अंधविश्वास का कैसा डर है जो सबके मन में पैदा हो गया है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।